गरीब तो मैं भी हूँ लेकिन मेरा दिल बड़ा है, मैं देख नहीं पाती हूँ किसी को भूखा रहे थे। जी यहाँ जो भी है अंकल लोग सबको मैं चाय पिलाऊंगी, जितनी मेरी हैसियत है उतना करती हूँ, उसके आगे नहीं कर सकती। और उसके आगे मैं कभी लाइफ में बन पाई तो इन लोगों को मैं कभी भूलूंगी। हर किसी की मदद करना मैं भी जानती हूँ लेकिन यही है कि पैसे नहीं है, खुद ही कमाते खाते। जितना है उतना आप करते हो। चलिए दीदी, दिल बड़ा है तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत तरक्की करोगे। बेटा इधर आ जाओ। तो ये देखो, ये है दीदी की क्यूट सी बिटिया और ये भी है दीदी की प्यारी सी बिटिया। तो आप दोनों पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो? मैंने सुना आप मम्मी को ऐसा बोलते हो, मम्मी बोलती है चलो बेटा आज बाहर घुमा दूँ खिला दूँ, तो आप मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी को बोलती हूँ मम्मी तेरे पास पैसे नहीं है तो बाद में खिला देना। क्या तो आप देख सकते हैं पर तवे पर दीदी ने रोटी ले लिया है, वेज रोल हम लोग बनवा रहे हैं और साथ में ऊपर से ऑयल ऐड कर लिया गया है। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि दीदी यहाँ पर प्लेट से लेकर के सॉस वगैरह जो भी यूज करते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। तो दीदी कितनी वैरायटी है अपने पास मेनू में? 30-35 है। 30-35 वैरायटी है, सब कुछ आप बनाते हो। तो ये सब बनाने के लिए आप घर से कितने बजे तैयारी शुरू कर देते हो? सुबह छह बजे से तैयारी करते हो और फिर 2:30 बजे यहाँ आते हो और रात के 11:30-12 बजे तक यहाँ आप काम करते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर दीदी दो बच्चों को पालने पोसने के लिए, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर 15-16 घंटे से ज्यादा मेहनत करती हैं और यही अपना घर पूरा चलाती हैं। अकेले हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, इनकी खुद की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। तो दीदी घर अपना है वो भी रेंट पर है दीदी? नहीं, रेंट पे है सब। अच्छा, घर भी रेंट पर है? दो हाथ है बस। तो ये देखिए भाई, हम तो ये वीडियो सिर्फ सूरत से यहाँ तक आए हैं दीदी के लिए कि ये वीडियो आप लोग देखो और दीदी के हाथों का जो टेस्ट है टेस्ट करने के लिए आप यहाँ तक आओ और दीदी के हाथों का ये टेस्ट करो। दीदी को भी हेल्प हो जाएगी, आप लोग कहीं ना कहीं जरूर ये खाते होंगे लेकिन अगर दीदी के वहाँ खाएंगे तो किसी की बहुत बड़ी मदद आप लोग कर पाएंगे। ज्यादा रेट नहीं इसका, 45 है। ओनली 45 रुपीज है दीदी। तो ये देखिए यहाँ पर जो रोल है हमारा और साथ में क्या क्या आ रहा है दीदी? ये शेजवान है, ग्रीन चटनी है, मेयोनीज। तो ये देख सकते हैं प्याज वगैरह दे दिया है दीदी ने, आइए टेस्ट करते हैं। सकते हैं भाई यहाँ पर हमने एक बाइट कंप्लीट किया है और जो इसका टेस्ट है भाई बहुत ही लाजवाब है। अंदर वेजिटेबल इतना ज्यादा डाला गया है ना कि वेजी वेजी वाला मजा आ जाएगा आपको। सॉसेस वगैरह मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है। ये लगने वाला आपको फ्रेंकी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरे नागपुर में इतना फैला दो कि जिनके पास जाए वो दीदी की हेल्प के लिए दीदी तक पहुंचे, इनके हाथों का जायका टेस्ट करें क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप लोग खाते ही होंगे। पर भाई रिक्वेस्ट है कि आप आकर दीदी तक खाएं, दीदी तक आकर के ये ट्राई करें ताकि अपने दो बच्चों का बढ़िया से भरण पोषण कर सके और अपना अच्छा ख्याल रख सके। इतना तो आप नागपुर से हैं तो करेंगे ही। चलिए मैं मिलता हूं तब तक के लिए, थैंक यू सो मच। लोकेशन बता दे दीदी। हमने ये वेज रोल ट्राई किया, वाकई बहुत बढ़िया है आपका टेस्ट, आपके हाथों में बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो ये किसी को खाना हो तो कहाँ आना रहेगा? ये केडी के कॉलेज के अपोजिट में है, बस स्टैंड के बाजू में, अनाया एग रोल, जगनाड़े चौक से 2 मिनट के दूरी पे है नागपुर। इसको दर्शन कॉलोनी भी बोला जाता है। अच्छा, नंदनवन। चले गए, एक बार मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दिखा दूँ। तो ये है अनन्या एग रोल पॉइंट और ये आया हुआ KDK रोड जो है इस रूट से जाना जाता है। आगे आपको जगदादे चौक मिल जाएगा और यहाँ पे ये KDK इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगी नागपुर में। तो आइए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले सफर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए दीदी, बाय बाय। तो दीदी आप कुछ और कहना चाहते हो नागपुर वालों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो भी देख रहा है लाइक करे, कमेंट करे, आगे शेयर करे, लोगों तक पता चले कि मेरा टेस्ट कैसा है। और जो भैया मेरे लिए सूरत से खास मेरा वीडियो बनाने के लिए आए उनको फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें,
उनकी मदद करें, बहुत अच्छे है वो, क्योंकि अभी तक इतने लोगों को मैंने बुलाया लेकिन आज तक कोई आया नहीं, बस यही बोलना चाहती हूँ। चलिए दीदी, थैंक यू सो मच। तो चलिए यहाँ पर अंकल जी खा भी रहे हैं, पूछ लेते हैं कैसा लगता है। क्या नाम है अंकल? हरी भाऊ। हरी भाऊ, हाँ। तो कैसा लगा आपको ये जो आप खा रहे हो? अच्छा लगता है, अच्छा बढ़िया लगता है, बढ़िया बनाते। आपका क्या नाम है अंकल? शंकर राव। शंकर राव, हाँ। तो कैसा लगा आपको? हाँ। कितने टाइम से आप लोग आते हैं दीदी के वहाँ? बहुत दिन से आ गए हम लोग, बहुत दिन से। अच्छा, साल डेढ़ साल से आप लोग, मतलब शुरू से ही आ रहे हैं, क्या बात है। चले गाइस, तो देखिए यहाँ पर अंकल लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, आप लोग भी आइएगा।